हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं तुरई की सब्ज़ी। आधा किलो तुरई लिए, इसको काट लिया है इस टाइप से और इसको पानी में भिगो दिया है, ये साफ़ हो जाएगी। एक प्याज लिया है, दो हरी मिर्ची ली है, 10-12 लहसुन की कली ली है, काट लीजिएगा। लहसुन के बारीक टुकड़े कर लीजिए। इसको अपन खलबत्ते में पीसेंगे। लहसुन, हरी मिर्ची और प्याज तीनों को मिक्स खलबत्ते से पीसेंगे। मसाला कुटा गया है, बारीक दरदरा पीसा गया है इस टाइप से। इसकी फ्लेम चालू करेंगे। पैन के अंदर तेल डालेंगे। गर्म हो चुका है, इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे। जीरा चटक दिया, इसमें मसाला डाल देंगे पिसा हुआ। मसाला पक रहा है, इसीलिए में अपन मसाला नमक मिर्ची ले लेंगे। मिर्ची 1 चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर। अब मसाले को ब्राउन होने तक चलाएं। ये लहसुन प्याज का पिसा हुआ मसाला डालेंगे और थोड़ा सा पानी डाल देंगे। मसाला तैयार है, इसको थोड़ा पकने देंगे। जब ये मसाला पक जाएगा, कढ़ाई छोड़ने लग जाएगा, तब इसके अंदर अपन तुरई डालेंगे। मसाला पक चुका है, इसमें तुरई डालेंगे। थोड़ा पानी डाल देंगे ताकि तुरई बन जाए। इसको ढक दीजिए और इसको मीडियम आंच पे पकने दीजिए। सब्जी अपनी सब्जी बन चुकी है।